हेलो डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, मेरा नाम है योगेश कोरे। तो आइए आज इस वीडियो में देखते हैं कि एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए एग्ज़ाम के दौरान स्कॉलर स्टूडेंट्स कैसे पढ़ाई करते हैं। अगर आप 87% से नीचे हो और आपको 95% से ज़्यादा मार्क्स चाहिए तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके काम आएगा, और अगर आप 87% से ज़्यादा हो तो आपको अन्य स्कॉलर स्टूडेंट्स के कंपटीशन में अगर आगे रहना है तो ये वीडियो डेफिनेटली आपकी बहुत 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 मदद करेगा। किसी भी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो उस सब्जेक्ट को और टाइम को पहले 4 हिस्सों में डिवाइड करना होगा। आपके पढ़ाई का पहला दिन और आपके फर्स्ट क्वेश्चन पेपर के पहले 15 दिनों को 3 हिस्से में आपको डिवाइड करना होगा। यह है आपके पढ़ाई का पहला दिन, वहाँ से लेकर ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया, ये थर्ड पार्ट हो गया। फिर यहाँ पे लिखा है आपके एग्ज़ाम का पहला दिन, यहाँ से आपकी एग्ज़ाम शुरू होती है और यहाँ पे आपकी एग्ज़ाम ख़त्म होती है। तो जो एग्ज़ाम पेपर का पहला दिन है वहाँ से लेके उसके पहले 15 दिन, इनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। ये जो पहला पार्ट है उसे बोलते हैं हम लोग ग्रास्पिंग, प्लस होती है सेल्फ स्टडी 1 एंड 2। यहाँ पे आपको मिलता है 100% नॉलेज, यहाँ पे आपकी होती है 100% अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच एंड एवरी लेसन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ईच एंड एवरी आंसर एंड ईच एंड एवरी मैथ सम। तो इसे आपको देना है 30% टाइम। देन सेकेंड पॉइंट है रिवीजन फॉर 100% एक्यूरेसी, इसके लिए आपको 40% टाइम देना है। फिर इसके बाद आता है थर्ड पेपर प्रैक्टिस फॉर एक्सेलेंस एंड स्किल, इसे आपको 30% टाइम देना है। फर्स्ट 3 पार्ट्स जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर जा सकते हो। अगर इन दिनों में आपकी पढ़ाई अच्छे से हुई है तो आपको मिलेगा सक्सेस। अगर इन दिनों में आपकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हुई है तो आपको मिलेगा फेल्योर। एंड फोर्थ पॉइंट इज फर्स्ट एग्ज़ाम पेपर के पहले के 15 दिनों से लेकर एग्ज़ाम के लास्ट दिन तक की जो पढ़ाई होती है, मतलब एग्ज़ाम के दौरान की पढ़ाई, यहाँ पर आपको 6 पॉइंट्स याद रखने होंगे। फर्स्ट इज मेंटल प्रिपरेशन, सेकेंड इज टाइम मैनेजमेंट, थर्ड इज इफेक्टिव स्टडी, फोर्थ इज डाइट एंड स्लीप, फिफ्थ इज आइडियल स्टडी एनवायरनमेंट एट होम, एंड लास्ट 6th पेरेंट्स पार्टिसिपेशन। तो आइए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट इज मेंटल प्रिपरेशन। एक बुक स्टोर में मैंने एक बुक देखा था, उसका नाम था ओलंपिक विनर्स आर नॉट बॉर्न बट दे आर मेड। ओलंपिक विनर्स 15 से 20, 21, 22 साल मेहनत करते हैं तब जाके उन्हें ओलंपिक में मेडल मिलती है, लेकिन मेडल मिलने से पहले उनकी मेंटल प्रिपरेशन बहुत होती है। वैसे ही ज़्यादा परसेंटेज लाने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्कॉलर स्टूडेंट होते हैं, उनकी भी परसेंटेज के बारे में मेंटल प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है। वैसे ही आपकी भी परसेंटेज के बारे में मेंटल प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, और उसके बाद ही आपकी स्ट्रांग एक्शन, मतलब आपकी स्ट्रांग पढ़ाई होगी। सेकेंड पॉइंट टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट अगर बराबर नहीं होता है तो आता है स्ट्रेस। एग्ज़ाम के दौरान के टाइम का अगर आपको इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना है तो आपको ये चार्ट बनाना पड़ेगा। एग्ज़ाम के दौरान इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में यहाँ पे बोलता हूँ, इंग्लिश पेपर में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 होता है, उसमें 6 सेक्शंस होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है उसके लिए एग्ज़ाम के दौरान मुझे कितना टाइम देना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ग्रामर में क्या है, राइटिंग स्किल में क्या है, लेटर राइटिंग में क्या है, लेटर राइटिंग में इनफॉर्मल लिखना है कि फॉर्मल लिखना है, मुझे तो लगता है कि फॉर्मल लिखो, फिर फॉर्मल की प्रैक्टिस कितनी होगी। फिर आपने अगर फॉर्मल लेटर 40 या 50 पहले ही लिखे हैं तो आपको उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और उनकी प्रैक्टिस करने के लिए एग्ज़ाम के दौरान आपके पास कितना टाइम है, कितना टाइम आपको देना चाहिए, और आप उतना टाइम दे सकते हो क्या,
ये आपको सोचना बहुत जरूरी है। आइए इस चार्ट में देखते हैं कि पहले तो है सब्जेक्ट का नाम, उस सब्जेक्ट में जो जो लेसन्स है उनके नाम है, वहाँ पे आप लिखो कि एग्ज़ाम डेट, आवर्स रिक्वायर्ड, मतलब उस लेसन को पूरा करने के लिए आपको कितने, आपके पास कितने घंटे हैं, वो एग्ज़ाम की डेट क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं हम डेज एंड आवर्स इन हैंड इंक्लूडिंग हॉलीडेज, इसका मतलब ये है कि अगर फ्राइडे को आपका पेपर ख़त्म होता है तो फ्राइडे को 2 बजे के बाद आपके पास टाइम है, फिर सैटरडे का पूरा दिन अगर छुट्टी है तो फिर संडे के दिन भी छुट्टी है, और मंडे को आपका पेपर है, तो इन दिनों में आपको कितने घंटे सोना है, कितने घंटे में आपको खाना खाना है, कितने घंटे में आपको नहाना है या थोड़ा सा आपको टाइम पास करना है, तो ये सब आवर्स आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें से पता चलेगा कि आपके पास पढ़ाई के लिए इतने आवर्स है, और यहाँ पे जो देख सकते हैं कि ये सब लेसन्स है, इन सब लेसन्स को पूरा करने के लिए आपके पास इतने आवर्स है, फिर वो सब आवर्स जो पढ़ाई के लिए है वो आप इन लेसन्स को दे दो, फिर आपको समझ में आएगा कि हर लेसन के लिए आपके पास कितने आवर्स है। एंड थर्ड पॉइंट इज इफेक्टिव स्टडी, यहाँ पर आपके नोट्स पे लिखे गए आंसर्स, उनके शॉर्ट फॉर्म, इन पर आप कॉन्सेंट्रेट करो। मेरा ये कहना है कि ये जो एग्ज़ाम के दौरान के दिन है, इन दिनों में आप पूरी अंडरस्टैंडिंग से आना, इन दिनों में आपके डाउट्स क्लियर हुए हैं इतना पहले से पढ़ो, और अगर डाउट्स है तो पेरेंट्स से बोलो, और पेरेंट्स को मेरी ये रिक्वेस्ट है कि किसी को अरेंज करो जो उनके डाउट सॉल्व करे। इन दिनों में हर एक लेसन की रिवीजन करते समय आंसर्स जोर से बोलो, इन दिनों में अगर आपको कम समय में ज़्यादा रिवीजन करनी है तो इन दिनों में आप ई लर्निंग का डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। एंड इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि इन दिनों में जिन लेसन्स को ज़्यादा मार्क्स है, मतलब ज़्यादा वेटेज है, उनकी आपको ज़्यादा पढ़ाई करनी है। इन दिनों में नो व्हाट्सएप, नो इंस्टाग्राम, नो फेसबुक, नो मेल चेकिंग, नथिंग नथिंग नथिंग। एंड फोर्थ पॉइंट इज डाइट एंड स्लीप, मैं तो इतना ही कहूँगा कि ना ज़्यादा खाओ ना कम खाओ, जितना खाने से आपको एनर्जी मिलेगी, आप एनर्जेटिक रहोगे, उतना ही खाना खाओ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ घर का ही खाना खाओ, बाहर का खाना अवॉइड करो। इन दिनों में बहुत ही कम नींद नहीं होनी चाहिए, एडिक्वेट बराबर से नींद होनी चाहिए, नहीं तो आप एग्ज़ाम के दिन में बीमार पड़ सकते हो। इन दिनों के लिए पढ़ाई अगर अधूरी ना हो तो अच्छा है, मतलब आप पहले से पढ़कर इन दिनों के लिए तैयार हो। 6 to 7 hours अगर आप नींद लेते हो तो अच्छा है। एंड फिफ्थ पॉइंट इज आइडियल स्टडी एनवायरनमेंट एट होम, घर वालों को मेरा यह कहना है कि आप जोर से टीवी ना लगाए, स्टूडेंट को डिस्ट्रैक्शन होने वाला कोई भी ऐसा काम मत करो जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए, उसकी पढ़ाई की जगह नीट और क्लीन होनी चाहिए। एंड सिक्स पॉइंट इज पेरेंट्स पार्टिसिपेशन, अगर आप एज अ पेरेंट कोई सब्जेक्ट पढ़ाते हो तो आपका उन दिनों उसके साथ वहाँ पे अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी होता है, आपके बच्चों को मॉरल सपोर्ट देने के लिए इन दिनों में आपको वहीं पे रहना है, आपको घर पे रहना है, आप फंक्शंस या टूर अवॉइड करो। उन दिनों में ऐसा होता है कि जब मम्मी पापा क्वेश्चन पूछते हैं और स्टूडेंट्स को, बच्चों को ये अच्छा लगता है, उनको लगता है कि उनकी पढ़ाई और अच्छी हो रही है, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप उन्हें क्वेश्चन पूछो, आपकी क्वेश्चंस में, लेसन्स में, उसमें सब, उसकी सब पढ़ाई में इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत से स्टूडेंट्स को मेरे पेरेंट्स घर पर है यही फीलिंग बहुत काफ़ी होती है। सो ऑल द बेस्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि हमारे आने वाले सब नए नए वीडियोस आपको हमारी तरफ से बहुत ही आसानी से मिलते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।